लेकिन ये जो नए वायरस के वेरिएंट को लेकर कंसर्न्स बनी थी उन सब के बीच ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वी मार्ट रिटेल के CFO श्री आनंद अग्रवाल जी। मिस्टर आनंद, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी हमने देखी, दिवाली के पहले भी कंज्यूमर सेंटीमेंट बहुत अच्छा था, वो शायद अभी भी एक्सटेंड हो रहा है। आने वाले GST GDP के नंबर्स में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे में आप कितने चिंतित हैं ये जो नए वेरिएंट की बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी अभी ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी पूरी तरह से अनलॉक हुई नहीं है शायद कुछ हिस्सों में। जी शुक्रिया। एंड आपका मानना बिल्कुल सही है। एक्चुअली पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम देख रहे थे कि बहुत अच्छी रिकवरी आ रही थी, एंड वी वर ऑलमोस्ट नियर दी प्री कोविड। हम बिल्कुल प्री कोविड लेवल के पहले के आंकड़ों के आसपास ही हम ऑपरेट कर रहे थे। बट जो ये पिछले 3-4 दिन से जो ये नया वेरिएंट की एक चिंता आ गई है, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी जरूर है। ऑल्दो अभी मार्केट में इसका कंज्यूमर में और फुटफॉल में अभी तुरंत इसका इम्पैक्ट नजर नहीं आया है, लेकिन अगर जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, वो जिस तरीके से इसकी खबरें आ रही हैं, हो सकता हो इसकी वजह से कोई दिक्कत हो जाए, और इसी का अंदेशा लेके हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। जो भी हमारे हेल्थ और हाइजीन के नॉर्म्स हैं स्टोर में और कस्टमर इंट्रैक्शन के लिए और एम्प्लॉइज के लिए, उनको और ज्यादा दुरुस्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए हम लोग तैयार रहें। आनंद, अभी आपने अपने सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री दी नए स्टोर एडिशन को लेके। उसी पॉइंट को थोड़ा और बिल्ड करते हैं कि किस तरह की विजिबिलिटी आ रही है जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि स्टोर एडिशन के प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहिए। और वहीं पे मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि प्रॉब्लम तो ये भी हो गई है कि रियल एस्टेट भी काफ़ी अच्छे बुल रन में आ गया है, वो आपका एक तरह से रॉ मटेरियल है, तो रेंटल यील्ड बढ़ जाएंगी आगे, अगर आप खुद के खरीद के लगाएंगे स्टोर्स तो वो भी एक इश्यू हो जाएगा। हाउ विल यू टैकल दैट? नहीं, ये डेफिनेटली एक पहली चीज तो इसमें जो मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टोर का एक्सपेंशन प्रोग्राम है, हम लोग कोविड के समय भी काफी आश्वस्त थे कि हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और हम 5 साल 10 साल के लिए दुकान लगाते हैं, तो हम 1-2 साल नहीं करेंगे। एंड उसी के हिसाब से हमारा जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम है वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। एंड इस साल ऑलरेडी हम 26 दुकानें खोल चुके हैं, एंड मेरे को लगता है हम 14 या 15 दुकानें अभी और खोलेंगे इस साल में। एंड जो आगे का भी आने वाला समय है, उसमें भी जो हमारी ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ जो हम नए दुकान हम खोलना चाहते हैं, आई थिंक अगले फाइनेंशियल ईयर में भी कम से कम 50 से 60 दुकानें और खोलना चाहेंगे हम, एंड उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि रियल एस्टेट में भी बुल रन आया हुआ है, एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट इस समय बहुत स्ट्रांग है, एंड उसी को लेके जो रियल एस्टेट कॉस्ट है वो इस समय थोड़ी हाई है। बट हमारा जो एक्सपेंशन प्रोग्राम होता है वो ज्यादा Tier 3 Tier 4 टाउन्स में होता है, जहां पे अभी इतना ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, एंड उसी को लेके जो रेंटल कॉस्ट है उसकी जो डिमांड है इस समय डेफिनेटली थोड़ी हायर साइड पे है। बट मार्केट में भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, अगर हम रिटेल प्लेयर्स की बात करें तो थोड़ी बहुत, अभी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है इस मार्केट में, और उसी का हम थोड़ा सा एडवांटेज लेके थोड़ी प्रॉपर्टीज जल्दी बुक करना चाहते हैं ताकि हमारे पास इनफ रॉ मटेरियल हो आगे एक्सपैंड करने के लिए। बिल्कुल, चलिए ये इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ कही आपने, और ये जो कंज्यूमर सेंटिमेंट की आपने बात कही जो कि स्ट्रांग लग रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मैं आंकड़े देख रहा था कि सितंबर क्वार्टर में भी करीब 90 नए स्टोर्स आपने ओपन किए हैं, अब अगले क्वार्टर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? बिकॉज़ फेस्टिव सीज़न जो है उसका पीक जो है उसमें से हम इस समय गुजर रहे हैं, अभी क्रिसमस का और एक स्पॉट आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या प्लान है? नेक्स्ट क्वार्टर इस पूरे एक्चुअली जो पिछले क्वार्टर में हमने 90 दुकानें जो खोली थी, उसमें से 74 स्टोर्स हमने एक्वायर करे थे साउथ इंडिया में। एक चेन है अनलिमिटेड जिसको हमने एक्वायर करा था, तो उसको जोड़ के हमारे 90 दुकानें खुली थी। पूरे साल में जो ऑर्गेनिकली हम खोलते हैं वो इस साल करीब 40 दुकानें खोलेंगे, जिसमें कि मैंने बताया कि 26 हम करीब खोल चुके हैं, और 14 या 15 जो बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर है उसमें हम और खोलेंगे।
नॉर्मली किसी भी साल में हम 50 से 60 से ज्यादा दुकानें खोलते हैं, लेकिन चूंकि इस साल पहला क्वार्टर कोविड की वजह से लॉकडाउन में निकल गया, इस वजह से हम उतनी दुकानें नहीं खोल पाए। बट जो भी स्पीड है उसको हम मेकअप करेंगे और आगे आने वाले क्वार्टर्स में उसको डेफिनेटली और ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे। आनंद, मैं आपके लास्ट 5 साल का चार्ट डायरेक्टर साहब से कहूँगा वो अगर लेके आए, क्योंकि करीब करीब 3800 रुपये के आसपास आपका शेयर प्राइस आ गया है। ये तो 52 वीक ग्राफ है, ऑलमोस्ट 70% रिटर्न, बट दर्शकों को बता दें कि 5 साल में करीब 45% रिटर्न ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस इस स्टॉक ने, ये कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। आनंद, काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट की है आपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये देखिए 5 साल का ग्राफ आया है, 16 से 21 तक 7x हो गया है स्टॉक। जितने का आज स्टॉक प्राइस है उतना ही आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न बना के दिया है, 3300 रुपये, 3800 का स्टॉक प्राइस है। अभी ये सुनने अब ये हम जो एनालिस्ट से बात करते हैं, जो आपके स्पेस को देखते हैं और आपकी कंपनी को देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी 45 to 50% एबिटा कैगर की पोटेंशियल है नेक्स्ट 5 साल में वी मार्ट की, तो स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक फेयर एस्टिमेट है, अभी भी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ की रोड मैप आगे तैयार है, ये आप हिंट कर सकते हैं? जी, मैं नंबर्स पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड जो भी हम लोगों ने पिछले 5 साल में डिलीवर करा है, हमारी उम्मीद और कोशिश पूरी यही है कि उसी स्पीड से और उसी रेट ऑफ ग्रोथ से हम आगे अपना काम करते रहे। मार्केट उसको हमें कैसे वैल्यू करेगा और उसको क्या शेयर होल्डर रिटर्न मिल सकती है, वो थोड़ा मार्केट के फोर्सेस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो हमारी मेहनत है और जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं। तो जिस भी स्पीड से, जिस भी मेहनत से हम पहले काम कर रहे थे, उससे ज्यादा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास टीम भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, एंड ज्यादा स्टेट्स में अब हम मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से रेट ऑफ ग्रोथ तो हमारी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोविड की वजह से अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अदरवाइज जो हमारी कोशिश है और जो हमारे प्लान्स हैं वो उसी रेट ऑफ ग्रोथ पे हैं। फैक्ट, अभी मैं मिहिर को यही बता रहा था कि आपने अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस किए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, आपने रोल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का स्प्लिट किया है और आपके नए चेयरमैन नेस्पर्स के CFO आकाश मुंद्रा बन गए। तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है और शायद डायरेक्टली स्टॉक मार्केट इसको रीड नहीं करता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आपने ऐसा क्यों किया, और क्या अभी नेस्पर्स जो साउथ अफ्रीकन या आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टिंग कंपनी है, उसके CFO अगर आपके चेयरमैन बन गए तो स्ट्रेटेजिक एडवाइस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबके स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाएंगे? नहीं जी, ये बहुत सोचा समझा हुआ हमारा कदम है, एंड आकाश जी हमारे साथ काफी साल से एसोसिएटेड हैं एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इसमें नेस्पर्स का कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ नेस्पर्स में काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह से काफी साल से हैं, एंड जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है कि हमें कंपनी को ज्यादा प्रोफेशनल बनाना है और ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स पे चलना है, उसके हिसाब से हमने ये पूरे बोर्ड ने ये डिसीजन लिया, जिसमें कि जो मैक्सिमम जो डायरेक्शन सेटिंग है कंपनी की वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट चेयरमैन करें, एंड इस नाते बोर्ड ने डिसाइड करा कि आकाश जी को ये जिम्मेदारी दी जाए। एंड वैसे भी पिछले 10 साल में कंपनी में बहुत हमने प्रोफेशनल चेंजेस करे हैं, एंड हमारी पूरी कोशिश यही है कि इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम एक इंस्टीट्यूशन कैसे बना सकते हैं जिसमें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो, और सबसे अच्छा रिजल्ट्स हम अपने स्टेक होल्डर्स को डिलीवर कर पाए। जी साथी, ये भी बताइए, आपने जैसे कहा कि कंज्यूमर सेंटिमेंट स्ट्रांग है, अब जो प्री पैंडेमिक लेवल्स और इस समय जो भी उनकी तरफ से खरीदारी हो रही है, आपने उनके बाइंग पैटर्न में कोई मेजर बदलाव होते देखा है, बाइंग मिक्स में बदलाव होते देखा है? हैव दे शिफ्टेड फ्रॉम स्लाइटली मोर प्रीमियम ब्रांड्स टू मोर रेगुलर ब्रांड्स? किस तरह का शिफ्ट कंज्यूमर बिहेवियर में आप नोटिस कर रहे हैं? बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, एंड डेफिनेटली दो बड़े शिफ्ट हमें नजर आ रहे हैं। एक तो नजर आ रहा है कि अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो इस साल थोड़ा ज्यादा ओकेजन वेयर और फेस्टिव वेयर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं,
लोगों को थोड़ा सा केयरफ्री हो गए हैं, थोड़ा सा ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पिछले 1.5 साल से कोई शादियां या कोई ओकेजन सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस समय पिछले 2-3 महीने से थोड़ी सी जो प्रीमियम गुड्स हैं या प्रीमियम फैशन है उसकी डिमांड ज्यादा है। दूसरी चीज जो एक सामने नजर आ रही है वो ये आ रही है कि Tier 3 Tier 4 में रिकवरी थोड़ी सी कमजोर है एज कंपेयर टू Tier 1 और Tier 2 स्टोर्स, Tier 1 Tier 2 टाउन्स। तो जो Tier 1 Tier 2 में खरीदारी थोड़ी ज्यादा है, Tier 3 Tier 4 में भी अच्छी डिमांड है, लेकिन Tier 1 Tier 2 से थोड़ी सी कम है। एंड तीसरी चीज जो अभी और जो अभी नजर आ रही है वो ये है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि क्योंकि कॉटन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और अभी GST के रेट भी बढ़ने वाले हैं, तो हमें उम्मीद ये है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेडिंग होगी। जो कस्टमर्स थोड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते थे या थोड़ी बड़ी दुकानों में खरीदने जाते थे, वो शायद अब ज्यादा वैल्यू रिटेल की तरफ आकर्षित होंगे। हमारी को भी हो सकता हो, हमारा भी थोड़ा कस्टमर बेस है, वो हमसे भी नीचे जाने की कोशिश करें, लेकिन ये एक साइकिल है जिसमें कि ये मार्केट एडजस्टमेंट होना चाहिए अगले 3 से 6 महीने में। बट डेफिनेटली वैल्यू रिटेल के ऊपर जो जो हमारी वैल्यू ऑफरिंग है और जो ऑनेस्ट प्राइसिंग है उसको लेके हमें लगता है कि हमारे पास कस्टमर थोड़ी ज्यादा तादाद में आ सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स ऑल्सो।